दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपनी वीडियो को क्रॉप कैसे कर सकते हैं, वो भी पावर डायरेक्टर ऐप का यूज़ करके। तो दोस्तों अगर आप में से कोई इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहा है तो जरूर से हमारे चैनल पर सब्सक्राइब का बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप पे ऐसी हेल्पफुल वीडियो पहुँचती रहें। तो दोस्तों अगर आपको नहीं पता कि इस ऐप को कैसे डाउनलोड करना है, वो भी सारे फीचर और बिना वाटर मार के, तो उसके ऊपर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ जो कि ये है। इसका लिंक आपको यूट्यूब कार्ड और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह मिल जाएगा। तो सबसे पहले इसे इंस्टॉल करने के बाद आपको क्रिएटिव प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है, अपने प्रोजेक्ट का नाम दे देना है। मैं यहाँ ट्यूटोरियल नाम दे देता हूँ और टिक पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आप एस्पेक्ट रेशियो सिलेक्ट कर लें। एस्पेक्ट रेशियो सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप अपनी जिस भी वीडियो को क्रॉप करना चाहते हैं उसे इम्पोर्ट करवा लें। तो मैं इस वाली को इम्पोर्ट करवा लेता हूँ। और दोस्तों मैंने स्पेशली ये वीडियो आपके ट्यूटोरियल के लिए बनाई है, तो इसको मैं तीन हिस्से में डिवाइड कर लेता हूँ जो कि अलग अलग सेक्शन है, जिसमें मैं आपको अलग अलग तरीके सिखाऊंगा कि कैसे कैसे आप अपने क्रॉप करने वाले फीचर को अलग अलग मोटिव के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इन्हें क्रॉप कर लेता हूँ। तब तक के लिए आप चाहें तो इस पार्ट को थोड़ा सा स्किप भी कर सकते हैं, बाकी इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पे जैसे कि देखिए मैंने ये कर लिया है ट्रिम, तो यहाँ पे मैंने अपनी वीडियो ट्रिम कर ली है तीन हिस्सों में। तो दोस्तों पहला मोटिव ये होगा कि आप नॉर्मली किसी वीडियो को क्रॉप करना चाहते हैं, आपका वहाँ पे कोई ज़्यादा इंटेंशन नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्रॉप करने के लिए अपनी वीडियो लेयर पे क्लिक करना होगा, पेंसिल आइकन पे क्लिक करना होगा, क्रॉप वाले ऑप्शन पे आ जाना होगा। फिर यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं ट्यूटोरियल दिखा रहा है, आपको अपनी दोनों फिंगर का यूज़ करके क्रॉप करना है। तो यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, जो हमारा अभी वीडियो में हमें स्काई दिख रहा है, मैं उसे क्रॉप करके निकाल दूंगा वीडियो से। तो दोस्तों मैंने इसे जूम कर लिया है, अब जो हमारा स्काई है वो नहीं दिख रहा। अब बैक पे क्लिक कर दीजिए, तो अब पूरी वीडियो में आप प्ले करके देखेंगे तो कहीं पे भी अब आपको स्काई नहीं दिखेगा, सिर्फ समुंदर ही दिखेगा। और दोस्तों दूसरा मोटिव ये हो सकता है कि आपकी वीडियो में जो है कहीं वाटर मार्क आ रहा है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मेड बाय टेक जनरेटर, आपको किसी वीडियो में से वाटर मार्क हटाना है। तो उसके लिए सबसे पहले आप फिर से वीडियो पे क्लिक करिए, फिर से पेंसिल के आइकन पे क्लिक करिए, फिर से क्रॉप पे क्लिक करिए और फिर अपनी वीडियो को जूम कर दीजिए। जूम करने के बाद आप उसे थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लीजिए जैसे कि आपका वाटर मार्क ना दिखे, और बैक कर दीजिए। तो दोस्तों आप देखिए इस वीडियो में अब हमारा वाटर मार्क भी नहीं दिख रहा है और वीडियो भी प्ले हो रही है। और दोस्तों तीसरा मोटिव हो सकता है कि आप किसी एरिया में, मतलब अपना ट्यूटोरियल के बीच किसी एरिया को हाईलाइट करना चाहते हैं, तो वो भी आपका एक मोटिव हो सकता है। तो उसके लिए अगर आपको किसी एरिया को हाईलाइट करना है, तो मैं आपको यहाँ पे ये जो कलर बोर्ड वाला आइकन है इसे हाईलाइट करके दिखाऊंगा। तो इस पर क्लिक करिए और क्लिक करने से पहले जिस भी एरिया को आपको हाईलाइट करना है एक बार ट्रिम कर लीजिए, और क्लिक होने से थोड़ा और पहले तक वहाँ पर एक और बार क्लिक करके उसे ट्रिम कर लीजिए। तो इस बीच की क्लिप में जो आप देख सकते हैं मेरे को ये एरिया जो है हाईलाइट करना है, तो अब मुझे क्या करना होगा, उस लेयर को सिलेक्ट करना होगा जो मैंने आगे और पीछे से ट्रिम करके बीच में बनाई है, और फिर यहाँ पेंसिल के आइकन पे क्लिक करना होगा और क्रॉप पे क्लिक कर देना होगा। अब क्रॉप पे क्लिक करने के बाद दोस्तों मुझे इस एरिया को हाईलाइट करना है, तो मैं इसे जूम करके काफ़ी बड़ा कर दूंगा और ऐसे इसे रख दूंगा। तो इससे क्या होगा कि मेरी वीडियो के चलने के बाद तुरंत ये एरिया जो है एकदम हाईलाइट हो जाएगा बीच में। तो अभी मैं इसे बैक कर देता हूँ और आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये जैसे नॉर्मली मेरा ट्यूटोरियल चल रहा था, आप देखेंगे नॉर्मली चल रहा है, फिर कलर बोर्ड पे आया, उस पर क्लिक करा और यहाँ पे आप देखेंगे कि एकदम लोगों को पता चल जाएगा कि मैंने कहाँ पे क्लिक करा है। तो इससे लोगों को हेल्पफुल होती है ट्यूटोरियल समझने में। तो दोस्तों मेरा आपसे एक सवाल है कि आप इन मेथड का यूज़ करके किस तरह की वीडियो को क्रॉप करेंगे, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप ट्यूटोरियल वीडियो को क्रॉप करेंगे या वाटरमार्क हटाने के लिए किसी वीडियो से क्रॉप करेंगे या टेक्नोलॉजी वाली वीडियो को क्रॉप करेंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखिएगा, मैं आप सबके कमेंट पढ़ूंगा और उनका रिप्लाई दूंगा। अगर आप में से कोई इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहा था तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें।